अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय शिवराय। मैं रूहीना शेख, एमआईएम पार्टी, पिंपरी चिंचवड़, महिला शहर अध्यक्ष। आज का विषय ये है कि फेक आईडी बनाकर, फेक अकाउंट बनाकर, पार्टी के बिना इजाजत के इस तरीके के जो अकाउंट बनाकर एमआईएम यूथ विंग पुणे, इस नाम से जो आईडी जो बंदा चला रहा है, उसने हमारे जो खासदार साहब है पार्टी के, इम्तियाज जलील साहब, उनकी फोटो पर इमोजी लगाकर जिस तरीके की घटिया और गलीज हरकत की है, उसका जवाब देने के लिए आज हमने हमारी पार्टी की जानिब से उस बंदे का पिंपरी चिंचवड़ पुलिस स्टेशन और कमिश्नर ऑफिस, उसमें उस बात का निवेदन दिया है। और इस बात के जरिए उन्होंने जो इस तरीके की हरकत की है, जो घटिया हरकत की है कि आपने किसी लेडी का फोटो उठाया, फोटो उठाकर अपने वॉल पर डालकर आपने इम्तियाज जलील साहब की फोटो के ऊपर एक इमोजी लगा दी, तो इस तरीके की घटिया हरकत करके जो आप एक समाज में अशांतता फैलाना चाहते हैं, और सबसे जरूरी बात कि पार्टी की बिना इजाजत के आपने जो इस तरीके की आईडी बनाई है पार्टी का नाम यूज करके, तो इस बात में आपके ऊपर कार्रवाई होने के लिए, जो इंसान ने ये चीज की है उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आज उसकी कंप्लेंट पिंपरी चिंचवड़ पुलिस स्टेशन में और साथ में ही कमिश्नर ऑफिस में की गई है। तो ये इस तरीके की जो बार बार हरकतें होती रहती है, जो इस तरीके की हरकतें करते हैं एमआईएम के नाम पर, बिना सबूतों के आधार पर जो बदनामी करने की कोशिश करते हैं, तो उनको खास तौर पर ये आह्वान देना चाहती हूं कि आप, अब हम खामोश नहीं रहने वाले हैं। आप बिना सबूतों के आधार पर अगर हमारे इम्तियाज जलील साहब हुए, या फिर अकील भाई मुजावर हुए, या फिर हमारे गफ्फार कादरी साहब हो गए, इन पर अगर बेनहक के इल्जाम लगाएंगे या किसी भी तरीके की कोई भी घटिया हरकत करेंगे, तो इसका जवाब हम संवैधानिक तरीके से आप लोगों को देंगे। तो और इस तरीके के जिन्होंने भी ये इस तरीके की आईडीज बनाई है, आईडी बनाकर समाजों में गलत मतलब मैसेज डालने का काम करते हैं, एमआईएम नाम से आईडी बनाकर आप गलत पोस्ट करते हैं, लोगों तक गलत मैसेजेस पहुंचाते हैं, तो इस तरीके का जवाब अब फेक आईडी, फेक अकाउंट वालों को जरूर मिलेगा। तो मैं आप इतना कहना चाहूंगी कि इस तरीके की हरकतें आप लोग बंद करो, वरना अगर हम महिलाएं जो है, जो एमआईएम से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, अगर रास्ते पर उतर आई तो आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। और जो ये मजलिस है, मजलिस ये शेरों का काम है, ये जिंदा दिल लोगों का काम है, जो खुले में आकर, ओपन आकर अपनी बात रखते हैं, इस तरीके की पर्दे की आड़ में मर्दों का चोला पहनकर इस तरीके की हरकत नहीं करते हैं कि हम आईडी, फेक नाम से आईडी बनाकर इस तरीके की हरकत मजलिस का कोई भी बंदा नहीं करेगा। अगर आप मजलिस से मोहब्बत करते हैं, आप असद साहब से मोहब्बत करते हैं, आप इम्तियाज जलील साहब से मोहब्बत करते हैं, तो आप इस तरीके की हरकत कभी नहीं करेंगे। आपको किसी ने भी हक नहीं दिया कि आप हमारे पार्टी के खासदार हैं, उनका इस तरीके से अपमान करें, तो इसका जवाब आपको अब देना ही होगा। हमने पिंपरी पुलिस स्टेशन में इस बात की कंप्लेंट कर दी है और बहुत जल्द से जल्द उसकी कार्रवाई भी होगी। और इस तरीके की हरकत करने वालों को हम हमारी तरफ से एक ये देते हैं, हमारी पार्टी की तरफ से अगर ऑफिशियल अकाउंट जो नहीं है, उस ऑफिशियल अकाउंट जो आईडी पार्टी की ऑफिशियल नहीं होंगी, और आप पार्टी का नाम लेकर अगर आईडीज यूज करेंगे और उसी आईडी पर से अगर हमारे नेता और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे जो पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, हमारे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष है, अगर उनकी बदनामी करने का किसी भी तरीके से कोशिश करेंगे, तो ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको हम कानूनी तौर पर इस बात का जवाब देंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ, और मैं जितने भी हमारे पार्टी के पोस्ट होल्डर है उनसे भी ये बात कहना चाहूंगी कि जहां कहीं भी आपको गलत लगे, जहां कहीं भी आपको ऐसा महसूस हो जाए कि ये आईडी हमारी नहीं है, समाज में अशांतता फैलाने के लिए बनाई गई है, या फिर किसी तरीके से गलत हरकत की जा रही है, हमारी पार्टी के खासदार साहब की बदनामी की जा रही है, हमारे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष की बदनामी की जा रही है, या फिर हमारे राष्ट्रीय नेते असद साहब की बदनामी की जा रही है, तो उसकी पास की पुलिस स्टेशन में जाकर आप तकरार करें। और इन इंसानों को सबक सिखाने के लिए हमारे पास में संविधान ने बहुत सारे राइट्स दिए हैं, जिसका हमें इस्तेमाल करना है, और ऐसे लोगों को सबक सिखाना है और कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी है। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।